जोरदार तालियों के साथ अपने यहोवा का आदर करते हुए, जोरदार तालियों के साथ हालेलुया 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 एक बार फिर से अपने यहोवा परमेश्वर की तारीफ करते हुए। कितने लोग खुश हैं क्योंकि आपका यहोवा परमेश्वर जिसने इस स्वर्ग को, इस धरती को रचा, वो आपकी ओर है। यस, वो आपका प्रोटेक्टर है, वो आपकी शील्ड है। हालेलुया। आइए अपने स्थानों के ऊपर हम बैठ जाएंगे। मैं आप सबका स्वागत करता हूं सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में। प्रभु के दास का, दासी का धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। और सबसे बड़ी और खुशी की बात हमारे लिए क्या है कि हमारी और हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया हालेलुया। और सदैव हम उससे दूर हो जाएंगे पर वो खुदा कभी हमसे दूर नहीं होता। ये है उसका अनकंडीशनल लव, निस्वार्थी प्रेम। ये है हमारे प्रभु का प्रेम। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। यस परमेश्वर, आज जितने लोग यहां बैठे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हैं पिता, आज तेरी एक बड़ी सामर्थ इनके ऊपर ठहरने जा रही है। आज से ये और तुझ में बढ़ने जा रहे हैं यहोवा परमेश्वर। आज से इनकी जिंदगियां चेंज होने जा रही हैं, ये बदलने जा रहे हैं। अब से, इसी वक्त से इनकी सोच बदल रही है, इनका देखना, इनका बोलना, इनका चाल चलन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। आपका आमीन जितना ऊंचा होगा आपकी आशीष उतनी बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम आमीन के साथ रिसीव कर रहे होते हैं ना, हम आमीन के साथ एक विश्वास दे रहे हैं परमेश्वर को, है ना, कि यस ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो उस आमीन के अंदर जितना बड़ा विश्वास होगा उतने बड़े आपके काम होंगे। आमीन यस आमीन। तो हम जानते हैं कि संगति का असर, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसका असर हम पर आता ही आता है। ऐसा ही है ना? तो फिर हमारे लिए ऐसा नहीं है कि चर्चिस में चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे कैसे भी बच्चे हो, कुछ भी हो, जैसी जैसी उनकी संगति होगी वो वैसे वैसे होते जाएंगे। अगर उनकी संगति बुरे लोगों के साथ है जो हर रोज गलत चीजें कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहा उसके ऊपर भी उनकी बातों का असर जाता है। आप अपने बच्चों को बोलते हो ना कि बुरी संगत से दूर रहना, क्यों बोलते हो? क्योंकि आपको पता है कि वो बुरी संगति उन्हें बिगाड़ सकती है, वो बुरी संगति उनका नाश कर सकती है। इसीलिए संगति हमारे लिए जरूरी है। और जो ये संगति है, ये आपको चेंज तो करती है, परमेश्वर की संगति आपको बदलती तो है पर उसमें और बढ़ाती है,
उसमें और बढ़ाती जाएगी और बढ़ाती जाएगी। ये है परमेश्वर की संगति। परमेश्वर की संगति में हम प्रेम सीखते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे बर्ताव करना है। हमने सुना है ना कि फल को देख के फल रंग पकड़ लेता है, ऐसी ही हमारी संगति है, चाहे बुरी हो चाहे गलत। तो हमारे लिए संगति कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपका यहां बैठना व्यर्थ नहीं है। आप बाइबल में लिखा है कलाम में कि आपने परमेश्वर को नहीं चुना। ये बहुत बड़ी बात है कि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, उसने स्वयं हमको चुना है। अगर आप यहां बैठे हो, उसकी आवाज को सुन रहे हो, उसके कलाम को सुन रहे हो, उसकी प्रस्तुति कर रहे हो, उसके गवाहियां सुन रहे हो, तो वो खुदा आपसे कहीं ना कहीं बहुत प्रेम करता है। आज भी संसार में लोग अपनी चीजें कर रहे हैं, इसी टाइम संडे कोई कहीं घूम रहा होगा, कोई कहीं जा रहा होगा, है ना। पर परमेश्वर ने आपको यहां पर बिठाया अपने साथ। क्या संसार में, बाहरी दुनिया में ऐसा है कि कहीं लिखा हो कि हां परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, जो नहीं ना। सी यहां पे हम सीखते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। आमेन। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, एडम एंड ईव, तो परमेश्वर हर रोज उनके साथ संगति करता था। तो जब उन्होंने गलत चीज कर ली तो उनकी परमेश्वर के साथ संगति टूट गई, जिस कारण जब वो परमेश्वर से अलग हो गए, आदम और हवा जब परमेश्वर से अलग हो गए, जैसे पेड़ है, पेड़ की टहनी है, तो जो पेड़ है, जो उसकी जड़ है, जो जितना बड़ा है, तो वो ही उस टहनी को मजबूत रख रहा है, अगर वो उसके साथ जुड़ी है तो, अगर उस टहनी की उस पेड़ के साथ संगति है तो फिर वो फलेगी भी, उसके ऊपर फल भी आएंगे, है ना। ऐसा ही है ना। तो आदम और हवा परमेश्वर से जब टूट गए, उनकी संगति टूट गई, तो उनके अंदर पाप भरने लगा, क्योंकि उनकी संगति क्या हो गई फिर, बुराई। उनकी संगति हो गई गलत चीजें, जो उनके अंदर पाप आ गया ना, एक आज्ञा को तोड़ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके साथ जुड़े रहो हमेशा। वो आपको ऐसे अपने साथ जोड़कर रखना चाहता है, वो नहीं चाहता कि आप कभी भी उससे दूर हो जाओ। हमें दुख होता है ना, हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, इंसानों के लिए उसके इमोशन सबसे बड़े होते हैं, ऐसा ही है ना। हमारे भाव, हमारी खुशी, हमारा रोना, एक दूसरे के साथ मिला, हमारे जो भाव हैं वो हमें सबसे ज्यादा है। तो जब अगर एक माँ से एक बच्चे को, एक पिता को उसके बच्चों से अलग कर दिया जाए, तो कितना दर्द होता है उनको। अगर आज आपके बच्चों को कोई आके बोले कि अपने बच्चों को दे दो, नहीं ना दे सकते, आपको पता है, आपको दर्द उस चीज को फील होगा कि हाँ। तो परमेश्वर चाहता है कि आप भी उसके साथ ऐसे संगति में रहो। ऐसे ही अगर आप उसके साथ संगति में रहोगे तो फलोगे, सचमुच फलोगे।
आमीन। यस, तो अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर के साथ जुड़ना क्या है? उसकी हर एक जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, जो कुछ भी इस बाइबल में लिखा है, उन चीजों से कहीं हमारी हानि हो रही? लाभ किसको पसंद है? अपना सबको पसंद है ना लाभ, सबको चाहिए। तो वो लाभ यीशु मसीह है आपका, उसी के पास है सब कुछ, उसी के पास चोखा जीवन है, उसी के पास आपकी आयु है, उसी के पास आपका फ्यूचर है। तो आप देखो कि हमारे जो जितनी दायरा है हमारा, उस हिसाब से आप देखो कि जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है, हम उनके लिए परिश्रम कर रहे हैं ना। जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है, पैसा, ये चीजें, आप उनके लिए कार्य कर रहे हो। तो आप परमेश्वर के लिए क्या कार्य कर रहे हो? जबकि पैसा, दौलत, ये सब चीजें एक दिन मिट्टी में चली जाएंगी। ऐसा ही है हम भी, हमें परमेश्वर ने जीवन दिया है, नया जीवन दिया है। आमीन। आपके अंदर से वो जो पुराना जीवन था ना, जब आप आते हो परमेश्वर में, वो परमेश्वर खत्म कर देता है, पर उस पुराने जीवन को हम खुद ही वापस लेकर आ जाते हैं। जबकि हमने जो नया जीवन पाया है उसमें चलते जाना है। आमीन। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम पृथ्वी पर मर भी जाओगे तो भी तुम क्या रहोगे? जीवित। अब दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपने लोगों के लिए आता है, अपने लोगों के लिए इतनी पीड़ा सहता है? सोचो, उसके लोग उसने खुद बनाए, वही उसकी बात नहीं सुन रहे और वो खुद ही आता है नीचे। किस चीज के लिए? प्रेम। वो प्रेम करता है, इसीलिए वो हमारे लिए वो नीचे आता है इस धरती पर, हमारे बीच आता है। जबकि परमेश्वर के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, उसकी पवित्रता के सामने। परमेश्वर ने अपना शब्द, अपना बेटा भेजा, तो वो भी पवित्र है ना। आमीन। तो वो हमारे साथ यहां पर रहा इस धरती पर, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार के विचार। यीशु किन लोगों के लिए आया था? पापियों के लिए, जिनके पास सब कुछ था। अगर हमारे पास सब कुछ भी हो ना, तो कोई जीवन नहीं खरीद कर सकता, वो सिर्फ यीशु ही दे सकता है आपको। आमीन है ना। सिर्फ आप चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया में जितने बड़े बड़े, जितने मर्जी, वो पैसे से इस दुनिया में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, पर वो जीवन नहीं खरीद सकते, वो आराम नहीं खरीद सकते, वो खुशियां नहीं खरीद सकते। पर यीशु मसीह ने आप सबको ये चीजें दे दी हैं, वो आपके पास है। आमीन। क्योंकि खुशी, आराम, चैन, ये सब परमेश्वर ने बनाया,
और उसी के पास है और वो ही देता है, और आप में वो और बढ़ाता जाएगा। आमीन। आइए हम बाइबल में से एक कलाम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसकी 6:17। आपको पता है बाइबल हमें डायरेक्शन देती है। अगर आप कहीं रोड पर जा रहे हो और आपको पता नहीं है कि डायरेक्शन कहां पर है, आपने जाना कहां पर है, रोड्स में हमने देखा है ना, हाईवेज में, रोड्स में बोर्ड्स लगे होते हैं, साइंस लगे होते हैं कि यहां पर रुकना है, यहां पर ऐसे करना है, यहां पर, पता है ना सबको। तो उस चीज का फायदा क्या है कि हमारा नुकसान नहीं होगा। और इसमें जो जो लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि आपका नुकसान ना हो। ये है परमेश्वर का प्रेम। ये बाइबल आपकी डायरेक्शन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे कहां जाना है, क्या करना है, रीड द बाइबल, रीड द गॉस्पल, परमेश्वर आपको सिखाएगा। आमीन। यस, सबने निकाल लिया पहला कुरिन्थियों 6:17। मैं पढ़ता हूं, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमीन, आमीन। यस, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की किसमें रहता है? संगति में। अब परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसमें एक बने। कैसे हम उसमें एक कैसे हो सकते हैं? जब हम संगति का मतलब ये नहीं है कि आप संडे थर्सडे चर्च आ रहे हो, बैठे हो, आपने कलाम सुना, आपने देखा, बस। संगति का मतलब है आप परमेश्वर का कितना आदर कर रहे हो अपनी हर एक चीज में, आप कितनी संगति उसको दे रहे हो, आपकी कितनी सहभागिता है उसके साथ। जब मूसा की परमेश्वर के साथ संगति थी, वो जो कहता था परमेश्वर, परमेश्वर ने मूसा ही को क्यों चुना? क्योंकि मूसा नम्र था। अब इतने इसराइलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने एक नबी को भेजा अपने, तो उसके लिए इतने लोगों को संभालने के लिए हर एक के विचार अलग अलग हैं। कोई कैसे प्रकट करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। तो अगर वो हम होते हैं और कोई और होता, हम दो चार की बात सुनकर ही उनको आगे से जवाब दे देना था, हमने लड़ पड़ना था। उसका स्वभाव, आपका स्वभाव, हम परमेश्वर को कैसे पसंद आ सकते हैं जब हम उसकी आदतों को अपने अंदर मानते हैं, जब हम उसकी पवित्रताई में चलते हैं, जब हम उसके हर एक वचन को पकड़कर रखते हैं। वचन को पकड़कर रखना सिर्फ इस बाइबल को हाथ में पकड़ लेना नहीं है, इसका एक एक शब्द आपका जीवन है। इसमें जो जो लिखा है वो जिंदा है,
और वही जिंदा वचन आपकी जिंदगियों में कार्य करने जाएगा, यही जिंदा वचन आपको ब्लेस करेगा। आमेन। यस, तो हमारी संगति परमेश्वर के साथ जब होगी तो हम, अब जो टाहनी लगी हुई है क्या उसको चिंता है कि पानी कहां से आएगा, कैसे फ्रूट लगेंगे उसके ऊपर? पर उसको पता है कि जो उसकी जड़ है उससे सब कुछ होना है, ऐसा ही है ना। तो आज हम इस बात को ये नहीं सोचते कि हम सिर्फ परमेश्वर में आगे, यीशु में आगे, सिर्फ इतना का काम है, हम अपनी डेली डे टू डे रूटीन्स कर रहे हैं, पर परमेश्वर सच में है, सिर्फ चर्च में नहीं आपके अंदर। आमेन। वो आपके अंदर है, सिर्फ चर्च में, सिर्फ चर्च में ही नहीं संगति बनानी, अपने अंदर मन में, अपने हृदय में उसकी संगति को रखना है, फिर आप उसके आत्मा में एक हो जाओगे। आमेन। कि सिर्फ चर्च जाने से काम हो जाएगा? इस बात को हमेशा याद रखना कि मसीह यीशु इस धरती पर आना पापियों के लिए, अपना बलिदान देना, अपने आप को कुर्बान करना, वो हमारे उद्धार के लिए था, हमें बचाने के लिए, ताकि हम जो हमने कलेश देखा है अपने घरों में, देखा है ना सबने, आपके घरों में कलेश, आपके घर में हर रोज झगड़े, आपके घर में बीमारियां, दुनिया में कितने इंसान आए, कितनों ने, पर क्या कोई ऐसा आया जो सिर्फ अपने लोगों के लिए आया? नहीं। क्या कोई ऐसा आया जो सिर्फ आपको, आपके जीवन को बदलना चाहता है? यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। आमीन। और वही हमारा प्रभु है, वही हमारा छुटकारा है। इस बात को हमेशा याद रखना कि अब जब वो दोबारा आएगा तो वो अपने लोगों को अपने साथ उठाएगा। आमीन। पर उनको जो हमेशा उसके साथ संगति में रहते हैं, सिर्फ चर्च में नहीं अपने अंदर भी, अपने अंदर में कोई विचार आया उसी टाइम, परमेश्वर ये खत्म है, मेरे अंदर तेरी संगति चलती है, परमेश्वर तू पवित्र है, मुझे पवित्र बनाता जा। और क्या वो ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है। वो आपको स्पिरिट से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, बढ़ा सकता है। सिर्फ हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज जो कुछ भी आपको संसार में चाहिए, कपड़े, कुछ भी खाने के लिए, वो परमेश्वर के लिए इतनी सी बात है, इतनी सी। क्या है? कितनी सी बात है? छोटी सी। और हम उन छोटी बातों के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा ही है ना। आपको इतना बड़ा परमेश्वर मिला है और हम अभी भी उन छोटी छोटी चीजों में हैं, अपनी ईर्ष्या, अपने वैर विरोध, इन चीजों में हैं। आज अगर आप ये सुन रहे हो तो अगर आप इसी टाइम मन बना रहे हो कि नहीं,
आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. किसके लिए? परमेश्वर के लिए. मुझे अपने आप को बदलना है. तो वो परमेश्वर आपको बदलेगा. तो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ वही उठाए जाएंगे जो उसके साथ एक हैं. आमीन. एक का मतलब क्या होता है? एक, हम इंसान दो बन जाते हैं परमेश्वर के साथ. एक तो परमेश्वर के साथ, एक जब हम घर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर की पावर को, परमेश्वर की गवाहियों को जो उसने आपकी जिंदगियों में बनाई. ऐसा ही है ना, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जब पहला मनुष्य बनाया उसकी उम्र थी 960 साल. 960 साल. उसके बाद नूह, उसकी थी 600 साल. नूह के बाद अब्राहम, अब्राहम के बाद अब 120 हो गई है ना. तो क्या हम, यीशु ने कहा कि तुम चिंता करके अपनी आयु को कभी भी नहीं बढ़ा सकते. कौन बढ़ा सकता है? आप बढ़ा सकते हो? नहीं. इस चीज को समझो. यीशु ने कहा तुम चिंता करके अपनी आयु नहीं बढ़ा सकते. आज से आपने घर जाना है और बैठ जाना है और चिंता करनी है कहां से खाएंगे, कहां से पिए, ठीक है, कैसे करना है, क्या करना है. अरे आपके लिए परमेश्वर बैठा हुआ है. वो ये नहीं सिर्फ बैठा हुआ है, वो तैयार बैठा हुआ है कि कब मुझे ये पुकारे मैं उनको उत्तर दूं, कब मुझसे ये मांगे मैं इनको दूं. वो बैठा हुआ है हमारे लिए, तैयार है हर चीज के लिए. आप जो चाहते हो वो आपको देगा, क्योंकि उसका वादा है वो आपसे प्रेम करता है, वो आपसे मोहब्बत करता है. यस, और हम भी उसके साथ मोहब्बत करेंगे. आमीन. कितने लोग? यस, प्रभु के साथ मोहब्बत करो. प्रभु के साथ मोहब्बत करने से इस संसार में ये चीजें जो प्रेम है ये सब कुछ व्यर्थ है, पर प्रभु के साथ करने से हम जीवित रहते हैं. आमीन. यस, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है. अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, अगर आप उसके साथ चल रहे हो, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपको हिला सके. दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको गिरा सके. पर आप खुद ब खुद अपने दुश्मन बन जाते हो. हम खुद ब खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं. इसीलिए हर रोज संगति जरूरी है. प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उसके वचनों को सुनना जो प्रेरित जी अपोस्टल पॉल सुखपाल राणा वो बताते हैं, उसको बार बार सुनना, क्योंकि उनका टीचर कौन है? होली स्पिरिट. ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान नहीं उनको सिखा रहा, सीधा परमेश्वर सिखा रहा है उनको, आप लोगों के लिए. होली स्पिरिट उनको गाइड करता है. सोचो, ये परमेश्वर किनके लिए, आपके लिए गाइड कर रहा है वो.
परमेश्वर एक बाप की तरह है, एक मां की तरह है, वो हमें बदलता हुआ देखना चाहता है हमेशा। वो चाहता है हम चेंज रहें, हम उसके प्रेम से भरे रहें और ऐसा ही आपके साथ होगा। आप उसकी प्रेम से भरते जाओगे, आपके अंदर वो हमेशा चलता जाएगा। और अपोस्टल जी बताते हैं ना, इस मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने इसीलिए खड़ा किया है ताकि सिर्फ जो स्टेज वाले हैं, सिर्फ उनकी संगति नहीं, जो यहां बैठे हैं, जो हर रोज आ रहे हैं, हर एक की परमेश्वर के साथ संगति हो, हर एक की। तो जितना प्रेम परमेश्वर अपोस्टल जी से करते हैं, हमसे करते हैं, उतना प्रेम परमेश्वर आपसे करता है। उसके प्रेम में कुछ ऊपर नीचे नहीं है, वो सीधा है, इक्वल। सोचो अगर उसके प्रेम में डिफरेंस नहीं है तो अपोस्टल जी, इन इतने लोगों और हम में क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। आपने खुद का दुश्मन नहीं बनना। अगर आपको पता है ये चीज गलत है तो गलत है। मिस्टेकनली आपसे गलतियां हो रही हैं। अगर आप चाहते हो कि उन चीजों से मैं निकलूं, मैं बार बार वो गलत चीजें कर रहा हूं, मैं बार बार, तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता? कर सकता है। वो आपकी पुकार को सुनना चाहता है। आपकी जितनी बड़ी पुकार होगी, आपकी उतनी बड़ी गवाही होगी। आमीन। ऐसा क्यों? परमेश्वर आपके मन की भी जानता है। वो जानता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं। पर जब अपने मुंह से अंगीकार करते हो, आप बोलते हो, उस बोलने में एक विश्वास होता है, वही विश्वास काम करता है। जब बोलते हो, चाहे उसमें गलत विश्वास हो चाहे सही विश्वास हो, वो काम करेगा करेगा। इसीलिए अपने विश्वास को हमेशा सही रखना है। हालेलुया। तो जो आपने जितना भी समझा, इन चीज को ध्यान रखना है। आज से आपने अपना दुश्मन नहीं बनना, खुद का, अपने आप को चेंज करना है। देखना, आप एक दो हफ्ता करके देखना, आप एक दो हफ्ता ही कर देखोगे, आपके सारे साल बदल जाएंगे। आमीन। जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद देते हुए खुशी से, यस। प्रेज द लॉर्ड। अभी मेरी बात स्क्रीन से बाहर नहीं गई। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। क्या मेरी वॉइस लोगों को सुन रही है? हाथों को हिलाओ। क्या जितने भी लोग बैठे हैं बाहर, स्क्रीन पर मेरी वॉइस और फोटो नजर आ रही है? टीम मुझे जल्दी थोड़ा रिप्लाई देना। किसी भी कैमरे के सामने आकर बताओ, उस कैमरे में खड़े होकर आप लोग मुझे कोई भी टीम मेंबर बताओ, क्योंकि लोग प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरी वॉइस बाहर नहीं जा रही। हालेलुया। ओके। कर दिखाओ मुझे ताकि मैं आपको देख सकूं सबको। ताकि मुझे ये समझ आए कि मैं, आप लोग मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं। कैमरे लोगों पर करो, टीम लोगों पर कैमरे करो, मुझे दिखाओ ताकि मैं देख पाऊं कि लोग मेरा रिप्लाई दे रहे हैं।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। टीम थोड़ा जल्दी मेरे साथ कॉपरेट करो। हाँ अभी ठीक है। ओके तो आप सब लोग कैसे हो बताओ मुझे, आप सब लोग कैसे हो? तो कैमरों में मुझे कंटिन्यू उधर वाले कैमरे भी दिखाते रहो, क्योंकि मैं आप लोगों को देख रहा हूँ सबको यहाँ से, ठीक है? मेरे पास दो स्क्रीन्स लगी है, तो टीम जो मीडिया टीम है वो अपना काम करते रहे। मेरे पास शायद वीडियो ये ज़्यादा ज़्यादा कोई 40-30 सेकेंड तक लेट आ रही मेरे पास। ओके ओके तो मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो नाउ हम स्टार्ट करेंगे परमेश्वर के वचन को। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी यूके लंदन में हूँ और बहुत खुश हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पूरी तरह से मेरे ऊपर है। और जैसे हम जानते हैं आप और मैं, हम सबको परमेश्वर ने लोगों को कहा था कि पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो, है ना, ताकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को क्या दो, बपतिस्मा। तो ये बड़ा विषय है कि पृथ्वी की शोर तक हम गवाह बने, है ना। तो यूके लंदन में आप सबको बहुत 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 सारी मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सबको, क्योंकि यूके में भी हमारी एक ब्रांच खुल गई है। कल उसकी ओपनिंग सेरेमनी थी, तो कल हमने वहाँ बहुत अच्छे से मीटिंग की और बहुत परमेश्वर का अनुग्रह था। और एक दिन परमेश्वर आपको भी बहुत दूर दूर लेकर जाएंगे अपने काम के लिए, है ना। तो आई होप ये विषय बहुत पावरफुल है हमारे लिए, कि ये बहुत पावरफुल विषय है। तो इससे पहले कि मैं अपनी बात को आज आपके साथ बहुत बढ़ाऊं, ताकि आपको बहुत आनंद मिले आज की टीचिंग से, आप आत्मा से भर कर रहो, हमेशा परमेश्वर के उन्माद से भरे रहो, तो मैं आप सबको सबसे पहले जय मसीह की करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। और परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ, जितने प्रभु के चरणों में बैठे हैं और जितने आपसे हमेशा अपने मन को बनाए रखता है, ये मैं फील करता रहता इन दिनों में। करूंगा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ना बहुत बड़ा अपने मन की बात, जैसे हम ये कह सकते हैं कि उस किसी चीज के लिए सबसे ज्यादा कोई उसको पाने की अगर चाहत रखता हो, उसके अंदर बहुत तेज तेज उस चीज को पाने की तीव्र इच्छा हो, तो वही तीव्र इच्छा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ रखी कि जाओ मेरे क्या बनो, गवाह बनो, पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो, है ना। तो अभी कलीसिया परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसे कल मैं जब मीटिंग में था तो मैं एक वर्ड दे रहा था, उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको बताऊंगा ताकि आप लोग इस बात को समझ पाओ, है ना। तो जैसे है ना, मैं कल लोगों को बता रहा था, क्योंकि कल यीशु मसीह को मानने वाले तो आए थे, लेकिन कुछ दो चार पांच दस लोग ऐसे आए थे जो यीशु मसीह में नहीं चलते थे, ठीक है। तो यीशु मसीह में नहीं चलते थे, तो वो होली स्पिरिट ने मुझे फिर एक वचन दिया ताकि उन लोगों को भी फेथ बनी। तो यहाँ पर भी आज बहुत सारे लोग पहुंचे हैं, नए लोग भी आए हैं, वो लोग भी वहाँ बैठे हैं आज, है ना, चर्च में, जो लोग बीमार होंगे, किसी परेशानी में होंगे, किसी दुख में होंगे, किसी हालात में होंगे, है ना, तो वो नए हैं, है ना, वो परमेश्वर के बारे नहीं जानती। तो उन्होंने जो कुछ भी परमेश्वर के बारे में, या ईश्वर है, भगवान है, परमात्मा है,
कैसा है, क्या है, मूर्ति है, तस्वीर है, कोई कहता है वो शब्द है, कोई कुछ है ना ऐसे करके। तो जो जो भी है ना लोगों को पृथ्वी पर समझ आता है शारीरिक बुद्धि से कि हम ये भक्ति करें, ऐसा ऐसा कोई रीति रिवाज करें जिससे हमारा भला हो, है ना, तो पृथ्वी पर लोग करते हैं, है ना, इधर उधर जाकर बहुत जगहों पर करते हैं, लेकिन करते करते रहते हैं इसलिए ताकि क्योंकि उनके पास यही बस समझ है ना, क्या कहते हैं उसको, उनके पास जो संसारिक रूप में समझ है जितना वो जानते हैं तो उतना वो करते रहते हैं ना। तो आप लोग बीच बीच में मीडिया डबल व्यू भी दिखाते रहना थोड़ा थोड़ा ना, डबल व्यू, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है, तो अभी है ना जैसे मैं आपसे बात करता हूं, बात ये है कि जैसे एक तरफ बहुत सारे धर्म, एक तरफ बहुत सारी दुनिया, एक तरफ हम परमेश्वर के लोग, ठीक है। तो जो दुनिया है ना जैसे अगर आप कुछ स्क्रिप्चर्स, कुछ ग्रंथों को देखोगे ना, जो अलग अलग दुनिया में बहुत सारे ग्रंथ है ना, आप जानते हो जो परमेश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में लोग फेथ करते हैं ना, जहाँ तो वो फेथ करते हैं कोई गुरु संत महात्मा आध्यात्मिक जन, वो उसके द्वारा जो वो कहता है परमात्मा के बारे में, तो जहाँ फिर इस पूरी दुनिया में जो भी शास्त्र है, ग्रंथ है, उन्हीं के हिसाब से लोग परमात्मा पर, परमेश्वर पर, ईश्वर पर, भगवान पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, ठीक है। अगर आप दुनिया में देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे मूर्तियां है ना बनाकर विश्वास करते हैं, तस्वीरें बनाकर विश्वास करते हैं, ऐसा ऐसा ईश्वर है देख कर, है ना। लेकिन अगर हम कुछ ग्रंथ उसको हम देख नहीं सकते, वो शब्द है तो वो निराकार है ऐसे करके, वो जन्म नहीं लेता, वो मरता नहीं है, ऐसे ऐसे बातें शास्त्रों में मिलती है ना, स्क्रिप्चर्स में जो अलग अलग है ना दुनिया में है। लेकिन वही शास्त्र है ना, ग्रंथ शास्त्र ये कहते हैं कि जो भी ऐसे ऐसी चीजें बनाकर लोग हाथों से पूजा करते हैं तो वो शास्त्रों में उनके बारे में लिखा वो राइट नहीं है, वो रॉन्ग है ऐसे करके। अब ये मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग जो परमेश्वर में हैं, है ना, जो आप और मैं सब है ना, आप परमेश्वर को जान गए, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में और दूसरे शास्त्रों में है ना, अगर दूसरे शास्त्रों में देखते हैं तो वो ऐसे बता रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा है, वो निराकार है ना, उसके बारे में कैसे है ज्ञान लोगों के पास है ना, उसके बारे में वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ऐसे करके है, ठीक है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम ये कहें यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, खुद को दुनिया के ऊपर क्या किया, प्रकट किया है। वाओ, कितनी अमेजिंग बात है। तो ये है वो सच्चाई जो आप लोगों को और समझनी है ना, क्योंकि परमेश्वर के बारे में ऐसा नहीं कि यहां पर हम परमेश्वर के बारे में कोई ख्याल बता रहे हैं, कोई सोचें बता रहे हैं, किसी मनुष्य की कोई विचार बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे पास इस तरह का ज्ञान नहीं। यहां पर बाइबल में परमेश्वर अपने आप को खुद प्रकट करता है। अगर आप रोमियो में पढ़ोगे तो एक जगह पर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को बिना गवाह नहीं छोड़ा। एक जगह पर आप रोमियो में पढ़ोगे अगर चैप्टर 1 में उसका 19 से ताकि आप लोगों
यहाँ पर ऐसे लिखा है कि जो हम जो अब परमेश्वर को जान गए, यहाँ हमारे पास ये ज्ञान है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है ना। सबसे पहले प्रकट कैसे किया उसने, ये जो सब कुछ बना है इसके द्वारा है ना। इसीलिए दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ अपने विचारों से बात करते हैं ना। सबसे पहले परमेश्वर कहते हैं कि मैंने अपने आप को प्रकट किया, कैसे, अपनी सामर्थ अपनी पावर को दिखाकर, दुनिया को, आसमान सूरज बनाकर, सब चीजों को बनाकर, फिर बादल आता है, बारिश होती है, हवा आती है, मौसम बदलते हैं, दिन आता है, रात आती है, सूरज उगता है, फिर वो अस्त जाता है ना। ऐसी सारी चीजें, कैसे बादल से ना बर्फ के टुकड़े ओले गिरते हैं, कैसे हवाएं आती है, कैसे सब्जी, मतलब सब कुछ उसकी पावर से हम देखते हैं। उसने अपनी पावर से ये इंसानों के लिए किया है ना, एक तो इससे देखते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा विषय, अगर हम यूहन्ना की बुक में जाते हैं, यूहन्ना सुसमाचार की बुक में, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वहां पर ऐसे लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और आदि में परमेश्वर के साथ वचन था, है ना। फिर सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, बिना उससे कोई भी चीज उत्पन्न नहीं हुई। तो वो ज्योति प्रकट होने वाली थी और वो ज्योति मनुष्यों के लिए जीवन थी, है ना। ऐसी बात फिर 9 में लिखा है कि सच्ची ज्योति जो इस दुनिया में संसार में प्रकट होने वाली और सब मनुष्यों को प्रकाशित करने वाली थी। फिर लिखा वो ज्योति इस दुनिया में प्रकट होती है, मतलब खुदा इस दुनिया का सृष्टिकर्ता अपने आप को दुनिया पर क्या करता है, प्रकट करता है। और फिर लिखा वो अपने ही घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि वो अंधकार में थे, उन्होंने ज्योति को समझने की कोशिश नहीं की, है ना। तो आज फिर 14 में लिखा है, वचन में लिखा कि शब्द वचन देदारी हुआ। फिर उसके बाद लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, है ना, मतलब वो कैसा है, शक्ल से तो नहीं देखा किसी ने, लेकिन इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसने परमेश्वर को क्या किया, प्रकट किया। अब परमेश्वर को कैसे प्रकट किया, पुत्र ने, पिता कौन है, पुत्र कौन है, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पर है ना, जैसे बहुत सारे दुनिया में डेरे होते हैं, तो वो डेरों में क्या करते हैं, वो परमेश्वर को एक शब्द शब्द करके मानते हैं, इसीलिए वो नाम शब्द देते हैं कि ये जो शब्द है इसका जाप करो, उच्चारण करो, इसी में वो भगवान है, ईश्वर है, वो परमात्मा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऐसा नहीं करते ना, क्योंकि हमारे लिए ऐसा कोई भी ज्ञान परमेश्वर ने नहीं दिया। जिसने सृष्टि रची उसने ऐसा ज्ञान नहीं दिया। आप जानते हो बहुत सारा ज्ञान तो मनुष्य अपनी सोच से भी बनाता है ना। मैंने आपको वो समझाया था ना, एक मैं वीडियो डाली थी सैटरडे, तो वहां पर भी मैं एक बात कर रहा था कि परमेश्वर ने कहा मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को तुष्ट करूंगा और चतुरों की समझ को भी तुष्ट करूंगा। तो वो जो बात है वहां पर वो बड़ी पावरफुल है। जब मैं वापस आऊंगा उस वचन के ऊपर, बहुत जबरदस्त रेवलेशन है जो खुदा ने इन दिनों में मुझे दिया है, तो वो मैं आप लोगों को दूंगा आकर, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं वापस आता हूं, तो यहां पर पिता और पुत्र है ना, ऐसे लिखा ना, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पुत्र ने ही परमेश्वर को क्या किया, प्रकट किया। पुत्र कौन है, है ना, एक शरीर में हमारे जैसे एक मनुष्य, ठीक है। लेकिन हम उसको सबसे पहले जानते हैं वो पैदा कैसे हुआ, वो पुत्र, वो एक कुंवारी कन्या से, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा जब स्वर्गदूत आया। तो हम जब दुनिया में देखते हैं ना, तो दुनिया के पास कोई स्वर्गदूतों का ज्ञान है, तो दुनिया के पास ना तो कोई पवित्र आत्मा का ज्ञान है, ठीक है। लेकिन हम यहां से देखते हैं कि कैसे एक कुंवारी लड़की के पास परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, बातें होती है, उसके बाद वो जब एक्सेप्ट करती उस वचन को, तो फिर पावर पवित्र आत्मा उतरता है, वह गर्भवती होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर संसार के लोग, है ना, उसका जो फियोंसी, है ना, मगेतर, उसे छोड़ने वाला था,
फिर स्वर्गदूत से दर्शन देता कि उसकी कुख में जो बच्चा, क्योंकि उसने सोचा ये तो व्यभिचारिणी है, अना मेरी शादी हुई नहीं तो पहले गर्भवती है, तो ये सब कुछ पूरी दुनिया में ये रिकॉर्ड है इतिहास में, ये कोई मिथ्या बातें नहीं है, ये कोई इंसान की बातें नहीं है। मैं अभी बताता हूं, अगर ये इंसान की बातें होती तो फिर आप लोगों को एक विषय समझ आता, जो मैं आगे जाकर आपको अभी थोड़ा सा बताता हूं, ठीक है। तो अभी है ना, जैसे फिर उसके बाद ये पैदा होते हैं ना हमारे प्रभु यीशु मनुष्यों की तरह, इंसानों की तरह, क्योंकि परमेश्वर कौन है? वो एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है। पुराने नियम में परमेश्वर ने, आप जानते हो, जब भी चाहे शैतान हो, क्योंकि शैतान भी एक आत्मा है, वो एक डेविल स्पिरिट है। कौन सा स्पिरिट? वो भी एक आत्मा है और परमेश्वर भी एक आत्मा है, लेकिन परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, जीवन देने वाला है, इस दुनिया का मालिक है। शैतान भी परमेश्वर की बनाई चीज है, लेकिन ये चैप्टर अलग है, वो शैतान कैसे बन गया, क्या हुआ, ये बातें बात की है, फिर कभी इस चैप्टर को हम बताएंगे। लेकिन ये बात रखो, चाहे दुष्ट आत्माएं हो, चाहे परमेश्वर की आत्माएं हो, परमेश्वर का आत्मा हो, ये बात आप याद रखना, इसने इन दोनों को काम करने के लिए एक बॉडी चाहिए, शरीर चाहिए, है ना। जैसे आप जानते हो, जब किसी का बलात्कार होता तो दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य के अंदर एंटर करके उसको कंट्रोल करके किसी का मर्डर करवाती है, दुष्ट आत्माएं बलात्कार करती है, स्कूलों पर बम टेररिस्ट बनाती है, गंदे गंदे काम, घनौने घनौने काम, या कोई पंखे से लटककर मर जाता, कोई ट्रेन के आगे मर जाता, तो ये दुष्ट आत्माएं काम करती है ना। जैसे देशों को आपस में लड़ाना, लोगों को, जातियों को, लोगों को आपस में लड़ाना, है ना। तो ये दुष्ट आत्मा क्या करती है? उसको बॉडी चाहिए अपना काम करने के लिए, है ना। तो परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए क्या, ये लॉ है, परमेश्वर ने ऐसा एक लॉ बनाया है, वो इस लॉ से बाहर नहीं जाना चाहता खुदा। तो इसीलिए परमेश्वर को इस दुनिया में पैदा होना था। तो अगर परमेश्वर ऐसे, जैसे यीशु पैदा हुआ तो यीशु ऐसे बात करे, मैं परमेश्वर हूं, मैं पैदा हुआ हूं, तो अजीब सा लगेगा ना। इस दुनिया का मालिक अगर आकर बोले कि मैं परमेश्वर हूं, तो मैं परमेश्वर हूं, मैं पैदा हो गया हूं, तो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का प्लान देखो, वो पुत्र के रूप में प्रकट होता है, और यीशु दुनिया को पूरा पूरा प्रकट करके दिखाता है कि परमेश्वर कैसा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो दूसरे के मनों की बातें जान सकता था, तो वो यीशु जानता था। यीशु ने पानियों के ऊपर चला, अना तूफान आए, उसको रोक दिया। तो क्या मनुष्य कोई कर सकता है? पूरी दुनिया के इतिहास में मिथ्या बातें हैं, मिथ्यास कथा कहानियां है, लेकिन रियलिटी में ऐसा किसी ने नहीं किया सिवाय यीशु के। ये बात को अपने दिमाग में नोट कर लो, यीशु ही है जिसने लंगड़ों को उठने का वचन दिया, कहा उठो, खड़े हो जाओ, अपनी मंजी उठाओ, तो लंगड़े चलने लगे। यीशु है जिसने उनकी आंखों को, जन्म के अंधों की आंखों को वचन दिया कि तुम्हारी आंखें खुल जाए, उसके वचन से खुल गई, बहरों के कान खुल गए, गूंगे लोग बोलने लगे, मुर्दे, मरे हुए इंसान क्या होने लगे, जिंदा होने लगे। अब सोचो, और जो कुछ यीशु मसीह ने ज्ञान दिया ना, तो वो दुनिया के पास है, और जो कुछ यीशु मसीह ने किया, यीशु मसीह ने एक एक जो मनुष्यता के साथ प्रेम होता है वो दिखाया आकर, कि एक जो परमेश्वर है वो कैसा हो सकता है, वो यीशु के जीवन से समझ आता हमें, किसके जीवन से समझ आता। इसीलिए लिखा कि किसी को, किसी ने कभी भी किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। अब ये बड़ा विषय है, क्योंकि मैं ये आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप और अपने मन को अच्छा करो, और अपने रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए बढ़ो, ध्यान दो, क्योंकि सारा कुछ तो परमेश्वर के साथ है ना, सारी शांति तो परमेश्वर के साथ है ना, सारा आनंद तो परमेश्वर के साथ है ना। जैसे आप जानते हैं, जब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को जब ज्ञान दिया,
बहुत आध्यात्मिक ज्ञान तो वो लोग शरीर में दें। तो बाइबल में लिखा बहुत सारे लोग 70 से भी ज्यादा लोग चेले यीशु मसीह को छोड़कर जाने लगे, जब यीशु मसीह उन्हें स्वर्ग की रोटी की शिक्षा दे रही थी कि स्वर्ग से जो रोटी उतरी हो वो मैं हूं, जो जो वो रोटी खाएगा कभी भूखा नहीं रहेगा, है ना। तो वो बहुत पावरफुल ज्ञान था, लेकिन वो सोचे यीशु का शरीर यीशु का लहू पीना है, ये तो बड़ा अजीब सा विषय है। तो वो लोग उसको छोड़कर जाने लगे। तो 12 चेलों से यीशु मसीह ने बात की, क्या तुम भी मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है, हम तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएं, जीवन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि जीवन की बातें तो हमारे पास है। तो अब जिस परमेश्वर को हम जान गए, जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें भरने की जरूरत और उसके साथ रिश्ते में, आत्मा में, उसके प्रेम में, उसके साथ उसके रंग में रचने की जरूरत है। अगर हम उसके रंग में, है ना, रंग जाएं, है ना, जैसे एक सॉन्ग भी है ना, रंग दे, है ना, ऐसे अपने रंग में रंग दे, है ना। तो हमें क्या जरूरत है, अब उसके रंग में रंगने की जरूरत है, अपने रिश्ते में बढ़ने की जरूरत है, अपने मन को और परमेश्वर के साथ लेकर चलने की जरूरत है। क्योंकि ये बात याद रखो, परमेश्वर ने अपने सारे काम को पूरा कर दिया है ना, आपके छुटकारे के लिए, है ना। जैसे आप बीमारी में हो, कोई हालात है, कोई परेशानी है, कोई भी है, तो परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कर दिया। लेकिन ये वो काम हमारी हमारी हमारे फेथ से, हम जब इच्छा बनाकर चलते हैं, तो वो काम जो परमेश्वर ने पूरा किया है, उसमें जो अनुग्रह है, उसमें जो परमेश्वर की उस नियम में पावर काम करती है, वो तभी काम करती जब हम अपनी इच्छा से परमेश्वर के साथ चलते हैं, मन बनाकर चलते हैं। फिर हम परमेश्वर की पावर को देखते हैं, फिर हीलिंग को देखते हैं, फिर अच्छे जीवन को देखते हैं। हम हर बार इतनी गवाहियां देखते हैं, कैसे लोग रोगों से बाहर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे लोगों की जिंदगी में कितने हालात होते हैं, तो वो कैसे बाहर आ जाते हैं उन हालातों से। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं ना, हालेलुया। तो कितने लोगों को बात समझ आ रही है। तो आज यहाँ पर जो हमारे पास पवित्र ज्ञान है, वो ये है कि दुनिया का जो मालिक है परमेश्वर, उसने क्या किया है, अपने आप को प्रकट किया हमारे पास। उसके बारे में मनुष्यों के ख्याल सोचे, वो शब्द है, वो ऐसा है, ऐसा ऐसा है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, वो चीज हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो परमेश्वर जो अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करता है। उसने 2024 साल पहले परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया, और उसका प्रकट करने का कारण था, जब आप बाइबल की गहरी स्टडी करोगे, तो जो मनुष्य है वो पाप के कारण, जब शुरू से पाप आया है ना, आदम और हवा से, और बाइबल कहती है एक मनुष्य के द्वारा जगत में पाप आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, और बाइबल में लिखा गया है सबने पाप किया, या सब पाप से पैदा हुए, जिसके कारण वो परमेश्वर से रहते हैं। अब मनुष्य पापी है और परमेश्वर से उसका मिलाप नहीं हो सकता था। परमेश्वर इसलिए प्रकट हुआ ताकि मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करे, यीशु मसीह का पवित्र देह, पवित्र खून जो उसके शरीर के अंदर था। तो यीशु मसीह की पवित्र कुर्बानी किसी अना जैसे जात पात के लिए या किसी धर्म के लिए नहीं हुई, वो पूरी मनुक्ता के लिए हुई है। तो ये जो कुर्बानी है, ये कोई कौम को छुड़ाने की या कोई देश को छुड़ाने के लिए, ठीक है, अभी हो जाए, पिछले दिनों में किसान लोगों ने धरना लगभग, लेकिन उसके बाद फिर उनकी कुर्बानियां काम आई तो वो कानून हट गई। अना आप दुनिया में देखोगे तो कौमों के लिए भी कुर्बानियां हुई, कौम छुड़ाई गई, अना देशों के लिए कुर्बानियां हुई, इंडिया के लिए हुई, इंडिया में सिर्फ कुर्बानियां नहीं हुई देश को छुड़ाने की, और भी पूरे इतिहास में ऐसे
बड़े बड़े वाक्या है जिसमें वहां के लोगों ने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी, तो कुर्बानियों से वो देश छुड़ाए गए। लेकिन यहां पर ना तो किसी देश को छुड़ाने का विषय है, ना कौम को छुड़ाने का विषय है, ना कोई कोई और मैटर है। यहां तो विषय है मनुख जो पापी है, जो जो पाप से उसके जीवन में मौत आ गई है। अब उसको पाप से छुड़ाकर यीशु मसीह ने क्या करना था, उसका मिलाप किससे करवाना था, परमेश्वर से। तो यही काम यीशु दुनिया में प्रकट होकर, खुदा खुद परमेश्वर अना मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और हमसे इतना प्यार करता है, इतना ज्यादा प्यार परमेश्वर हमसे करता है कि हमारी सजा को अपने ऊपर लेकर हमें छुड़ाता है। अब तुम छुटे हुए हो, अब कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा, कोई बीमारी, कोई खलात तुम्हारे ऊपर तुम्हें दबा नहीं सकता, तुम्हें तुम्हें गरीबी में नहीं रख सकता, तुम्हें शराब में नहीं कोई चीज रख सकती, दुष्ट तुम्हें दबा नहीं सकता। लेकिन इसके लिए तुम्हें ये ज्ञान जो तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारी रग रग में चाहिए, तुम्हारे अंदर वो प्यार चाहिए परमेश्वर के लिए। अब तुम्हारे अंदर विश्वास चाहिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर जिससे मैं दूर था वो मेरा परमेश्वर अब मेरे साथ है, अब वो परमेश्वर ने मेरे से प्रेम किया। जब ये मन आपके अंदर होगा फिर आप छुड़ाए जाओगे। अगर मैं अभी यहां लंदन में हूं, यूके, कल मैं लोगों से मिल रहा था, प्रेयर कर रहा था, तो बहुत सालों से लोग प्रभु में थे लेकिन बड़े बीमार भी थे लोग। कारण क्या था? सही फेथ, सही विश्वास, सही रिश्ता, सही मन उनका परमेश्वर के साथ नहीं बना हुआ। उन्हें तो लगता है कि बना हुआ है, लोगों को तो लगता हम आ रहे हैं तो हम तो विश्वास करते हैं। लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं तो आ जाऊंगा परसों नरसों आपके पास, थर्सडे की मीटिंग में जब प्रभु भोज होगा तो उसमें मैं मौजूद रहूंगा, उसके बाद जब संडे आएगी मीटिंग तो उसमें मैं रहूंगा। तो मैं इन बातों पर और ज्यादा आपको गाइड करना चाहता हूं, क्योंकि इन दिनों में पवित्र आत्मा मुझे इस चीज की अगुवाई कर रहे हैं बड़ी, ठीक है, क्योंकि इसी से हम उसकी स्पिरिट से भरे रहेंगे, हमारे ऊपर एक अनुग्रह बना रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, जैसे बाइबल में लिखा सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार का क्या मतलब है? सुसमाचार का मतलब ही ये है कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे पैदा हुआ, वो क्यों परमेश्वर पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, ये सारा ज्ञान, वो क्यों क्रॉस पर चढ़ा, क्यों वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, ये पावरफुल ज्ञान हमारे लिए क्या है, जीवन है। हालेलुया, हमारे लिए क्या है ये, हमारे लिए ये जीवन है, जीवन जीवन, है ना। क्योंकि एक वचन मैं आपको पढ़ाता हूं, बस मैं अभी इसको लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर बोलने लगूंगा तो ये चलता जाएगा, मेरे अंदर से वचन आता जाएगा, तो मैं नहीं चाहता मैं ज्यादा लंबा करूं, ठीक है। तो अभी यहां पर ये वचन है यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री ये पीछे है नए नियम में, यहां पर लिखा यीशु मसीह के एक चेले ने ये बात लिखी है। तो यहां पर यीशु मसीह का एक चेला क्या कहता है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आद से था, जिसे हमने सुना और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। सोच लो, वो जीवन का वचन जो आदि से था, शुरू से था, वो वचन जिसको दुनिया डेरों में नाम शब्द बनाकर जाप कराती है, लेकिन वो जाप नहीं है, वो करैक्टर है, करैक्टर है हमारे पास। हम सुसमाचार का मतलब परमेश्वर के करैक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। वो करैक्टर के रूप में आया था, वो आदृश्य रूप में नहीं रहा, उसने अपने आप को दुनिया में प्रकट किया है, वो है। यही दुनिया को हमने गुड न्यूज देनी है, आओ वो जिंदा खुदा के पास, आओ वो तुम्हें जीवन देगा, तुम्हें सबको बढ़ना है इस काम के लिए। हालेलुया। तो वचन में लिखा उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था और जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते जो पिता के साथ था और हम पर
प्रकट हुआ और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी ये सौभाग्यता पिता के साथ उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया, ये कितना पावरफुल वचन है। चेलों ने कहा वो जीवन का वचन जो आदि से था हमने उससे देखा, वो प्रकट हुआ, हमने अपनी आंखों से देखा, हमने ध्यान से देखा, हमने हाथों से छुआ। किसकी बात हो रही है? यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही वो खुदा है, यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जो सारे संसार के लिए प्रकट हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने खुद को अपने आप को इस दुनिया में प्रकट करके दिखाया कि मैं हूं। तो यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे, मेरे नाम से पिता के सामने रखोगे तो वो होगा। अब यहां क्या होता है, फेथ की कमी है यहां पर, ये जो सीक्रेट इसमें जो रिश्ता मन चाहिए उसकी कमी होती है। लोगों के दिमाग में ये विचार, वो लोग, ये लोग, अच्छा वो हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो ना, ऐसी ऐसी नेगेटिव सी बातें लेकर प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं। किसी संसार की बात से तुम्हें जीवन नहीं मिलना, ना तुम्हें किसी रिश्तेदारों ने, दोस्तों, मित्रों ने, सरकारों ने, किसी ने तुम्हें जीवन नहीं देना सिवाय परमेश्वर के। अपना असली रिश्ता परमेश्वर के साथ बनाओ, आप असली से मन बनाकर खुदा के साथ चलो। दुनिया को देखते रहोगे, संसार को देखते रहोगे तो वही परेशानियों में दबे रहोगे। तुम्हारी परेशानियों को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया है, हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को उसने अपने ऊपर ले लिया है तुम्हें जीवन देने के लिए। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु भोज जो हम करते हैं, जैसे आज प्रभु भोज मीटिंग है, ठीक है, तो प्रभु भोज मीटिंग है तो जितना वचन मैंने तुम्हें आज दिया है इसके हिसाब से तुम्हें अब समझनी होगी बात। प्रभु भोज का मतलब ही ये है, मतलब ही ये है कि जब हम वो रोटी का टुकड़ा खाते हैं और है ना यीशु मसीह का वो जो जूस है उसको लहू समझकर पीते हैं, इसका मीनिंग है वो वचन जो आदि से था और वो प्रकट हुआ ना, वचन वचन देदारी हुआ, वो प्रकट हुआ। क्यों हुआ? ये सारा प्रोसेस, ये सारा ज्ञान प्रभु भोज करने समय हमें याद रहना चाहिए। वो खुदा का प्रेम, वो हमारे लिए क्रॉस पर चढ़ना, हम पापी थे, हम मनुष्य थे, एक जगत एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, हम दुष्ट की गुलामी में थे, हम उसकी गुलामी में रहते तो हमें हमारा रूह जीवन नष्ट होता, हमें कभी अनंत जीवन ना मिलता। अब हम पाप के गुलाम नहीं, हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं, हम अब उसके हैं, हम पवित्रता में हैं, अब हम ज्योति में हैं, अब हम अंधकार में नहीं, अब हमें ज्योति में चलना। तो ये सारी बातें तुम्हें प्रभु भोज लेते समय याद रहनी चाहिए और अगले लेवल में बढ़ना चाहिए। तो आई होप मेरे हिसाब से जितना वचन मैंने आप लोगों को दिया है आप लोगों को समझ आ गई। और मेरा फेथ है, मैं तो नहीं करूंगा हीली, मैं तो नहीं करूंगा यहां से प्रार्थना, प्रार्थना करेगा मेरा बेटा, मेरी वाइफ, खुदा की दासी, क्योंकि इनको भी मौका चाहिए है ना कि ये भी प्रेयर करें लोगों पर और लोगों को हीलिंग मिले। और मैं यहां से उनके लिए प्रेयर कर दूंगा और परमेश्वर उन्हें और ज्यादा इस्तेमाल करेगा, ठीक है। तो अभी है ना हम प्रभु भोज करेंगे, ठीक है। तो अभी सबको प्रभु भोज आप लोग देना स्टार्ट कर दो, तो कुछ ही टाइम में मैं जैसे लोगों के हाथ में चला जाएगा तो टीम मुझे बता देना कि सबके पास प्रभु भोज जा चुका है।